स्कूल का बिहार का कानून खड़ा कर रहे हो, आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि विदेशी को ठीक है, ये गुलामी को ठीक है, हमारे देश के इतिहास सुस्ती का ठीक है, उस प्रतीकों पर जिस पर हमें नाज था, गर्व था, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, आप उसको आज इस कह रहे हैं विदेशी है, ये गुलामी का क्षेत्र है, गुलामी का प्रतीक है, किस आजादी की बातें कर रहे हो? आज आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर बहुत सा सहज सर हो, ये आज देश के सामने बड़ा सहज है, इसलिए इतना बड़ा बड़ी लड़ाई आई, ऐसी लड़ाई नौबत कभी नहीं आई थी, इतना बड़ा धक्का पूरे देश के सामने, इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती आजाद हिंदुस्तान में इससे पहले हमारे सामने नहीं आई थी। तो इस बड़े खतरे को देखते हुए, इस बड़ी चुनौती को देखते हुए, इससे अगर पहली बार दावा कहा है जो भगत सिंह ने जवाब कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा संविधान लिखा और कहा कि बड़ा खतरा है क्योंकि इस देश में जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, इसके ऊपर ये संविधान बनाया है, लोकतंत्र का मुलम्मा है, लेकिन मिट्टी अभी उसको उसका डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है, अगर नहीं असमानता इस देश के अंदर रह जाएगी तो एक वोट वोट की समानता का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अदानी अंबानी का जो देश बन जाएगा तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं, कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो वो तो इस देश में बड़े हिस्से के लोगों के लिए इससे बड़ी विपत्ति होनी चाहिए। बातें आज की बात नहीं है, आज से बहुत पहले हिंदुस्तान जब बन रहा था, संविधान पारित हो रहा था, देश में आजादी की बात आ रही थी, उस समय की बातें कही गई, आज वो खतरा हमारे सामने है और इसीलिए हमें लगता है इस बड़े खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी लड़ाई चाहिए, बहुत बड़ी लड़ाई चाहिए, जिसको आप दूसरी आजादी की लड़ाई कह दीजिए तो उससे कम नहीं, उससे कम में नहीं तैयार है, जो आजादी की लड़ाई है जितने एक आरोप पत्र है जो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के खिलाफ बड़े मुद्दे है, किसानों के मुद्दे हैं, हमारे सामने सवाल है कि वो जो दिल्ली में लड़ाई चली जिसको पूरे देश ने कहा कि दिल्ली वाली लड़ाई, उसको पटना वाली लड़ाई कैसे हम बना, जो दिल्ली वाली लड़ाई है उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा लिखा और जिसके बल पर सिंह टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में बैठ करके हमारे किसानों ने वो तीन गांवों को पूरे नाम में फेंक दिया है, उस लड़ाई को पूरे बिहार में चंपारण से लेकर के पूरे दक्षिण बिहार तक नाम नाम तक कैसे हम पहुंचाएंगे, पूरे बिहार तक कैसे कारण की होगी, ये हमारे सबका एजेंडा है। चुनाव में हमने 10 लाख मतदाता की बात की थी और नीतीश जी 19 लाख की बात, और 19 लाख के बाद आज क्या हो रहा है, पोस्ट खत्म हो रहे हैं, हजारों हजार में पोस्ट खत्म हो रहे हैं। अभी हम एक चाचा से सुन रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना और किसी जिले के एसपी कह रहे हैं कि होमगार्ड में भर्ती होने के लिए 62 इंच का सीना चाहिए, तब बिहार के नौजवानों उनको होमगार्ड में उनका राज्य लाभ देगा। अभी रेलवे में हमने देखा छात्रों के नौजवानों के गुस्से का विस्फोट, कोई रोजगार कोई नारा नहीं है, रोजगार इस समय सबसे ज्वलंत मान है नौजवानों के आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना, तो आंदोलन के एक से एक हमारे सामने मुद्दे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि अगर हमारे दुश्मन के खिलाफ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र है तो हमारे पास भी अपना संकल्प पत्र है जो हमने चुनाव में उसके बीच में रखा था, संकल्प पत्र है और उस संकल्प को अमली जमा अगर पहनाना है, 12,000 या 20,000 वोट से हार गए हम ये नहीं कहेंगे, 12,000 20,000 से हार गए वो आप कह सकते हैं, बहुत सारी सीटों में हम हार गए, दक्षिण बिहार में जो रिजल्ट हम लिया है वो रिजल्ट हम मिथिला में नहीं ला पाए, सीमांचल में नहीं ला पाए, उत्तर बिहार में नहीं ला पाए, इस कमजोरी पर मैं अगर चाहूंगा पाना होगा और बड़े पैमाने पर लोगों का भरोसा जीतना होगा और बड़े पैमाने पर लोगों में ऊर्जा का संचार करना होगा, और इसका मतलब है कि हमारा ये जो महागठबंधन है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं इस रफ्तार से बात पाने की नहीं, रफ्तार तेज करनी होगी, जिस ढंग से हम चल रहे हैं इस ढंग से बात पाने की नहीं, ये महागठबंधन अगर महज चुनाव का गठबंधन समझ लेंगे, महागठबंधन को महज हम समझ लेंगे कि विधानसभा का गठबंधन, बड़े आयोजनों का गठबंधन, बात नहीं बनेगी, महागठबंधन को रोज करने के आंदोलनों का गठबंधन बनाना होगा, देश को बचाने का संविधान को बचाने के लिए इस पूरे
बिहार के तमाम दुबई दूसरे लोग, बिहार की महिलाएं, हमारे स्कीम वर्कर्स, हमारे नौजवान, हमारे छात्र, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक के बाद एक बिहार को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि बिहार में बात का रुपए की उत्तर प्रदेश बात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात आगे बहुत नहीं बढ़ पाएगी। और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद आप उनकी कोशिश क्या है कि बिहार को उत्तर प्रदेश बनाएंगे, वो बुलडोजर राज, वो बुलडोजर राज बिहार में बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले बुलडोजर से लोग डरते थे, बुलडोजर से लोग घबराते हैं, और आज देश में ऐसी राजनीति है, ऐसा शासन है कि भारतीय जनता पार्टी का बस चले, मोदी जी के मन की बात अगर सुन ली जाए तो वो शायद शासन का प्रतीक तो उनका बुलडोजर बन ही चुका है। कल हो सकता है चुनाव का प्रतीक भी वो कमल निशान हटा करके वो कहेंगे कि बुलडोजर पर हमें वोट दो। ये देश के अंदर हिंसा का, डर का ऐसा राज बनाना चाहते हैं। इस हिंसा और डर के राज के खिलाफ साहस का, उम्मीद का और व्यापक एकता का हमें गठबंधन चाहिए। गठबंधन बने और दोस्त के आंदोलन में ये गठबंधन देश सेवा के साथ आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये 74 के समझूता के आंदोलन उसका उसकी जो हमारे पास हमने उसके वारिस है, हम सब लोग इसमें जहाँ हैं तो उसकी विरासत की मांग है। हम इस नक्सलवाड़ी के आंदोलन से निकले हैं, उस आंदोलन की विरासत से, और आज मान हैं। आप समझ लीजिए आज अगर देश में कहीं कोई विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, नक्सलवाद तो गांव का आंदोलन था, शहर का था नहीं, शहर का आंदोलन 74 का था, लेकिन आज अगर किसी देश के किसी विश्वविद्यालय में किसी अगर कार्टूनिस्ट, कोई अगर चित्रकार, कोई अगर फिल्म बनाने वाला, कोई उसकी विरोध की आवाज दर्ज करके हर विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकार के पास परिभाषा क्या है, अर्बन नक्सलवाद। अब समझ लीजिए जब देश के हर विरोध की भाषा को नक्सल समझा जा रहा है तो उस वादे में कुछ था, कुछ था उस नक्सलवाड़ी में जो गरीबों ने, देश के गरीब मित्रों ने एक देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, तो कह रहे हैं कि महज सत्ता परिवर्तन नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन, अब उस व्यवस्था को अमूलचूल परिवर्तन, उसको सीने से बदल देना है, नीचे से बदल देना है, तो इसकी कोशिश को थी। इसीलिए इस देश में ये जो हमारे पास विरासत है, भगत सिंह की विरासत है, अंबेडकर की विरासत है, उसके बाद की बात करें तो बड़े बड़े किसान आंदोलन की विरासत है, नक्सलवाड़ी की विरासत है, 74 की विरासत है, सभी धाराएं आज अगर एक देख रहे हैं तो चंद चीजों के लिए नहीं है, किसी तरह वोट मिल जाए, किसी तरह हो जाए, चीज को बढ़ जाए, उसकी बढ़ जाए, इतने छोटे मकसद के लिए ये महागठबंधन नहीं बना है। महागठबंधन बना है और चलेगा महामकसद के लिए, महाकाम पूरा करने के लिए, जो भी किस नाम से पकड़िए उस सभी खतरनाक चीज है। इस खतरे से निपटने के लिए बिहार फिर एक बार रास्ता दिखाए, ऊर्जा से भर दे लोगों को, और जो डर हो रहा है या थोड़ा सा हम मदद करके आंदोलनों की रफ्तार तेज करके चलना है, तो 7 अगस्त की जो बात हो रही है तमाम जिला मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, 30-30 लाख लोगों के राशन कार्ड छीन लिए गए, राशन कार्ड क्यों छीना जा रहा है, ताकि राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए, राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए, और वो खेती के कामों को वापस में, लेकिन खेती बिक जाएगी। अदानी और अंबानी के पास गेहूं चला गया, 1 महीना पूरा गेहूं के निर्यात हुआ, तब जाकर के मोदी जी ने उस पर रोक लगाई। तो ये चावल और गेहूं, ये जो हमें गरीबों की जरूरत है, इसको देने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो 7 अगस्त एक नई शुरुआत हो, हम समझते हैं कि आज का ये महासम्मेलन, ये शायद अगर हम इस रूप में लें कि चुनाव के बाद से, चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन था, और लोकसभा के चुनाव में अलग गठबंधन था, विधानसभा के चुनाव में अलग गठबंधन है, आज तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा नजारा कुछ और है, तो गठबंधन तो बदलता रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पिछले करीब 1.5 साल चुनाव के बाद जीत गए, सामने बड़ी लड़ाई है, सामने बड़ी लड़ाई है, राष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है विधानसभा का चुनाव है, नीतीश जी आज है, लेकिन वो लालू की नीतीश
श्री रामविलास जी की पीढ़ी वो पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नीतीश जी कब तक इस व्रत है, उसको उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी में शायद अभी भी ये इच्छा बची हो कि एक बार फिर साहस लेकर के जैसे उधर सीधा तक जाते हैं फिर एक बार इधर आएंगे, पता नहीं इधर आएंगे नहीं आएंगे, इतनी ऊर्जा इतनी हिम्मत अभी उनके अंदर है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल नेताओं का नहीं है, सवाल जनता का है, कार्यकर्ताओं का है, सवाल आंदोलनों का है। इसलिए बिहार को वो ऊर्जा उसका संचार करना होता पूरे देश में, जिस ऊर्जा के बल पर, जिस साहस जिस एकता के बल पर जो हम सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार 2024 इसके आती है सरकार खत्म हो, और सरकार तब खत्म होगी सिर्फ चुनाव में बूथ में वोट से नहीं, जब गांव गांव में इस समय गरीबों के अंदर जो मुकाबले में गरीबों को डाल रखा है, हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहना दिया है, इस चश्मा लोग उतार करके पहनेंगे और सच्चाई के चश्मे से लोग पूरे हिंदुस्तान को फिर कर देखेंगे और तब हम कदम आएंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई में हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भाजपा वाले की ओर से हम कह सकते हैं क्योंकि गठबंधन में सबसे नौजवान पार्टी अगर है तो हमारे गठबंधन में आने वाली सबसे नई पार्टी भाजपा वाले है और इसी में सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ और जितना चलना होगा जिस संस्कार से चलना होगा चलना होगा, इसमें जो भी कुर्बानी देनी है वो कुर्बानी दे करके हम लोग चलते रहेंगे, सब लोग साथ मिलकर के चले, बिहार को बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, देश को बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों को आज के इस सम्मेलन की सफलता के लिए, बहुत बहुत बधाई, लेकिन सबको मिलकर के जो बधाई है वो आगे की लड़ाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।